प्रदेश के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री व बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के प्रभारी बाबूलाल खराड़ी बुधवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री खराड़ी ने 84 विधानसभा क्षेत्र के पीठ कस्बे में सलारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के जीत के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे, वहीं कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। डूंगरपुर जिले में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से 84 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में टीएडी मंत्री व लोकसभा सीट के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भाग लिया और कार्यकर्ताओं से चुनाव में जीत के लिए सुझाव मांगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में मंत्री खराड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं लागू करके उन्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, देश को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को देश आगे बढ़ता है तो तकलीफ होती है, देश से भ्रष्टाचार कम होता है तो तकलीफ होती है, दुनिया में भारत देश मजबूत हो रहा तो तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि जनता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और आने वाले चुनाव में देश में एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी, वही राजस्थान में पूरी की पूरी 25 सीट भाजपा की झोली में डालेगी। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी 1 मार्च से 3 मार्च तक चलने वाले लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर लाभार्थियों से संपर्क करते हुए भाजपा की रीति नीति व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे बताने और भाजपा को जिताने का आह्वान किया। साथ ही मंत्री खराड़ी ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में कौन लड़ेगा, किसे टिकट मिलेगा, इसकी परवाह छोड़कर भाजपा को जिताने के काम में लगने का आह्वान किया। सम्मेलन में पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, लोकसभा सीट के संयोजक हरीश पाटीदार, संगठन प्रभारी कमलेश पुरोहित, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, प्रधानकारी लाल ननोमा सहित अन्य नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर जोश भरा। इस दौरान जिला प्रमुख सूर्या हारी, जिला उपाध्यक्ष भगवती देवी बामनिया, राजेश पाटीदार, पूर्व उप प्रधान मणिलाल हारी, जिला मंत्री जवाहरलाल लबाना, मनोहर लबाना, मंडल अध्यक्ष गोवर्धन पाटीदार, गोविंदराम पाटीदार, गोविंद हारी, यशवंत सिंह, भंवरलाल कटारा, बाबूलाल लबाना, ईश्वरलाल लबाना, कीर्ति पंड्या, भाजयुमो जिलाध्यक्ष कल्पेश भारती, विजयपाल डोडियार, अनिल गरासिया, अनिल मिश्रा, पवन सिंह डामोर, मगनलाल पारगी, विधानसभा विस्तारक प्रदीप भूरिया, लीलाराम गमेती, दौलतरामा खराड़ी, भूरालाल डामोर, बंशीलाल पाटीदार, चंद्रेश कलाल, देवी सिंह लबाना, देवेंद्र सिंह सोलंकी, राजेश प्रजापत, रमेश डामोर, करण लबाना, ईश्वर लबाना, रामलाल, रमेश भगोरा, सरपंच सांग ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल डामोर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन जिला महामंत्री नानूराम परमार ने किया। आभार प्रधानकारी लाल ननोमा ने जताया। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी धम्बोला पहुंचे, जहां पर भाजपा मीडिया प्रभारी दिव्यांग कमलाशंकर पाटीदार की अकस्मात निधन होने पर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। और जीव जंतु को पीने के लिए, तो आपसे मेरा कटबल निवेदन है कि आप सबसे पहले ये जितने तालाब है इस क्षेत्र में डूंगरपुर जिले में, इनको कलेक्टर को कह के या आप वहां मंत्रिमंडल में बिलाते हो तो वहां जाके कह के इन तालाबों को गहरा करवा के
एक तो मारी गड्ढे में पानी डाला जाएगा तो गैसी घटा होता होगा, सीधा 84 में पानी आएगा। दो तीन जगह पे ऐसे ऐसा पास पास में पानी है, अगर किनाल निकालना चाहोगे साहब तो किनाल कभी हमारे पास नहीं आने वाली है, क्योंकि क्या कहते मैं थका हूँ। और आज इस पंचायत समिति सिमलवाड़ा में मैं इकलौता प्रधान हूँ और हमारे आदरणीय मंत्री जी विनय जैन को बार बार मैं निवेदन करता हूँ, एक महीने से फोन करना छोड़ दिया क्योंकि मैं कहते के थका हूँ इसलिए फोन नहीं करता हूँ। तो मेरा काम ये जनता के लिए है, मेरे घर के लिए नहीं है। आप सभी यहाँ बिलाजे आप पधारे, आप इस 84 क्षेत्र की तरफ से और पंचायत समिति सिमलवाड़ा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस बार लोकसभा में मोदी जी को मेरे यहाँ से लोकसभा चुनाव में सांसद के वोटों में अपना वोट जिता के भेजूंगा, ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा। कई लोगों ने गड़बड़ियां की हैं विधानसभा चुनाव में, कई लोग इधर इधर जा रहे हैं घूम रहे हैं, कई लोग हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ के आ जाते हैं, मारत पेलो फई नो सोरो है। उस समय तो याद नहीं था जब आपने कहा था, इसलिए किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं। एक ही काम हो सकता है, या तो शासन का या प्रशासन का, इसलिए आप कार्यकर्ताओं को भी ये मेरा है, वो क्यों चला गया, वो उस पंचायत में, वो सचिन, वो एलडीसी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बरसों हो गए मुझे पता है कौन से फड़े में किसने गड़बड़ी, जिसका जो काम है वही काम करना है। आप सब कार्यकर्ता हो, पार्टी का काम करना है, विकास का काम करना है, जिसको जिसका जिम्मे जो काम है। अब कोई मेरे जैसा, मैं संत तो हूं नहीं, अब मैं टिप्पणे पढ़ने लग जाऊं काम होगा क्या है? नहीं होगा। ये प्रधान जी वो जहर उतारते हैं मंत्र बोल के, यहाँ दूसरा कोई उतार सकता है क्या? नहीं उतार। तो जो जिसके जिम्मे काम है वो काम वही करे, इसलिए किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं। और विकास के काम आपको जितने चाहिएंगे, जितने काम आप मांगेंगे, 5 साल पूरी में आपको सेवाएं देने के लिए तैयार हूं, और 2 दिन लोकसभा चुनाव से लगा के 2 दिन यहाँ भी दूंगा। सोमवार मंगलवार को जिला मुख्यालय पे 10 से 12 रोज हर सोमवार मंगलवार को बैठूंगा। जो भी प्रशासनिक आपके काम है शेष समय में निश्चित रूप से वो काम हम सब करेंगे। पर आप सब अपना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ अभी, संगठन जहाँ आदेश देता हुआ जाता हूँ, सबको ज्वाइनिंग कराने का काम कर रहा हूँ। राजस्थान में बड़े बड़े लोगों को ला रहे हैं, आपके वहां भी जो भी हो बताते रहना, इसलिए सब बहुत सारी लंबी लाइन है जिलाध्यक्ष जी के पास में। अभी जल्दी कार्यक्रम करके सबको जोड़ेंगे, सबको भगवामय बनाओ, सबको भाजपामय बनाओ, और निश्चित रूप से जय श्री राम के नारे के साथ में हिंदुस्तान को अखंड हिंदुस्तान बनाना है, इस भारत को आगे बढ़ाना है, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाना है। भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी, बाबूलाल जी मंत्री जी, और हम सब मिलके इस पूरे 84 का जो विकास है, पिछले 5 साल रुका हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी, पर अब फिर हमारी सरकार है, भले यहाँ से विधायक नहीं पर सरकार आप सबकी है, आपकी सरकार है, इसलिए काम तो बहुत हम सब मिलकर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वहां से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अधिवेशन में एक आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो आज से 100 दिन का समय का समर्पण करेगा, और इस नाते लोकसभा क्षेत्र के चुनाव का बिगुल उसी दिन बज चुका था, और हमने 24 फरवरी को लोकसभा का इसी तरह का कार्यकर्ता का सम्मेलन अपने घड़ी में रखा था, बहुत सारे जिम्मेदार पदाधिकारी वहां आए थे, और इसी क्रम में आज हमने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन तय किया था। आज हम डूंगरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन और 84 और सागवाड़ा हमारे तीनों विधानसभा में आज माननीय हमारे काबीना मंत्री और हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय खराड़ी साहब के नेतृत्व में हमने इन कार्यकर्ताओं को आपसे रूबरू करने के लिए, क्योंकि जब भी किसी कार्यक्रम को परिवार में अपन सबसे पहले अपने प्रमुख लोगों को बुलाते हैं, परिवार के जिम्मेदार लोगों को बुलाते हैं, और इसी नाते आज भारतीय जनता पार्टी के उन कर्णधारों को बुलाया है जो विधानसभा के परिणाम को प्रभावित करते हैं, परिणाम की दिशा तय करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा तो कुछ कहना नहीं। सुशील जी ने एक बात कही कि किसकी नजर लगी है, अब मुझे तो समझ में नहीं आता, ये तो देवभूमि है,
शिव जी के मंदिर में मीटिंग हो रही है, बेणेश्वर धाम है, त्रिपुरा सुंदरी है, कोटिया अंबा है, पता नहीं कितने कितने धार्मिक श्रद्धा के केंद्र हैं, लेकिन पता नहीं 84 में आप शिव जी को भूल गए, भगवान राम को आप काल्पनिक बताते हो, तो ये पीड़ा तो होगी। जाहो रखे धर्म को ताही रखे करतार, मतलब हम भूल गए रास्ता। और हमारे यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हिंदू नहीं हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पूर्वज कब से राम राम करते मुझे तो पता ही नहीं, और आपस में मिलते हैं तो राम राम करते हैं, जय श्री कृष्ण से जय गुरु से करते हैं, और बिछुड़ते हैं तब भी राम राम से करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, जय गुरु से करते हैं। और राम तो काल्पनिक था, इस प्रकार के विचार प्रकट होते हैं। भाइयों बहनों, ये कलयुग में पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आता, कलयुग की शुरुआत है। जो हमारे पूर्वज प्रभु राम को श्रद्धा का केंद्र मानते, आज भी मान रहे हैं, आस्था केंद्र है, और उसके विषय में टिप्पणी करना हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्य है। हमें अलग अलग भटकाने का काम होता है, रास्ते से भटकाने का काम होता है, हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम कोई अपेक्षा लेके नहीं आए हैं, हमने देश का निर्माण करना है, देश को आगे बढ़ाना है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया की सबसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमने सबसे पहले प्राथमिकता आधार पर देश को रखा है, उसके बाद मेरी विचारधारा है, उसके बाद मैं हूँ। अगर देश पे कहीं संकट आएगा तो सारे काम छोड़ करके सबसे पहले देश के लिए काम करूंगा, और इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को 14 से पहले का समय भी आपने देखा होगा, 14 से पहले सरकारें बनती थी, सरकार बनने के बाद में पहले ही दिन से कोई न कोई मंत्री घोटाला करने लगते, पाताल से लगा करके आसमान तक घोटाले हो गए, हवा में घोटाले हो गए, पानी में घोटाले हो गए, हिंदुस्तान की गरीब अमीर जनता के खून पसीने के पैसों को लूट पर अपलूट करके अपने जेब भरने का काम किया था भाई बहन। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद में प्रधानमंत्री ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब हमको लगता था कि यार ये पूरे कुएं में ही भांग है, ये कैसे ठीक करेंगे, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता था, अब कैसे रोकेंगे। एक देश का प्रधानमंत्री क्या कहता था, मैं 100 रुपए भेजता हूं और उस गरीब की जेब में कितना था, 15 रुपए। अब उसको पता था कि बीच में लीकेज है, लेकिन रोकने का काम नहीं किया, जानकारी थी लेकिन उन्होंने रोकने का काम नहीं किया। और देश के प्रधानमंत्री का न खाऊंगा न खाना दूंगा, आपने हमने सबने देखा होगा, हमारे कभी बैंक में खाते ही नहीं खुलते थे, और बैंक में गरीब आदमी खाता खोलने के लिए जाता था तो बैंकर पहुंचता था, तेरे को जानता ही नहीं हो, मेरी बैंक में जिसके खाते हैं वो दो व्यक्ति तेरी पहचान करेंगे, तेरा खाता खोलूंगा, कहते थे, कहते थे, और पैसे भी जमा कराने पड़ते थे तब खाता खुलता था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी सबकी गारंटी लेता है, 0 बैलेंस पे सबका खाता खोल दीजिए, सबके खाते खोल, सबके खाते खोल। लोग हमको कहते थे यार लाइन में लग रहा क्या है चक्कर है, और हम भी कहते क्या करेंगे ये। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाइयों बहनों, सरकारी योजना का कोई भी पैसा होगा, चाहे आपके प्रधानमंत्री आवास का पैसा होगा, किसी परिवार के पेंशन का पैसा होगा, आपका परिवार का कोई भी सदस्य नरेगा की मजदूरी में मजदूरी जाता है, सारा का सारा पैसा खाते में डालने का काम किया कि किया, बीच में जो ये लूट खाने वाले दलाल थे इनको सबको निकाल के बाहर किए कि नहीं किए, जो पूरा पैसा दिल्ली से था वो सारा का सारा गरीब की जेब में जा रहा कि नहीं जा रहा, जा रहा है ना।
इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का काम किया। भाइयों बहनों, देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सबसे ताकतवर बना करके नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पिक्चर रख दी। भाइयों बहन, आपके अनुसार कभी हिंदुस्तान को कोई नाम लेना नहीं चाहता दुनिया के लोग? आज दुनिया में भारत की जय जयकार होती है, हमें गर्व का अनुभव होता। भाइयों बहनों, दुनिया आज भारत की तरफ देखती है। हमारी देश की सीमा पहले कैसी थी आपने देखा है ना, छोटा सा देश पाकिस्तान हमको हमेशा आंख बताता था, हमारे सैनिकों के माथे काट के ले जाता था, कोई बोलने वाला नहीं, बोलना नहीं ठीक है ले जाएंगे चलेगा, और कोई भी आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर के हमारे देश में आता और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाके बड़े बड़े शहरों में और बम ब्लास्ट करके मेहमान की तरह अपने देश में वापस चला जाता, कोई बोलने वाला नहीं था। आज कहीं बम ब्लास्ट हो रहा क्या, सब शांत हो गए कि नहीं हो गए? अरे वो बम ब्लास्ट करने वाला आता था, वो एक दिन में नहीं आता था, महीनों भर वो उन शहर में घूमता था, उसको खाना खिलाने वाले भी आई हैं, उनको रहने के लिए जगह देने वाले भी आज भारत में हैं भाइयों बहनों, लेकिन मोदी जी का डंडा है जिसके कारण से वो लोग शांत है। हमारी सीमा की रक्षा करने वाला जवान सीमा पे खड़ा था, बंदूक भी थी, गोला भी था, बारूद भी था, सब था, लेकिन उसको गोली चलाने का आदेश नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता में बैठे लोगों को पता था इधर से गोली चलेगी उधर दुश्मन मरेगा, उसका कोई ना कोई भारत में रिश्तेदार होगा, वो हमको वोट नहीं देगा। इसी तुष्टिकरण की राजनीति खातिर हमारे देश का जवान सीने में गोली खाता था लेकिन गोली नहीं चलाता था। भाइयों बहनों, हमने नारा लगाते थे ना, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वह हमारा है, पूरा का पूरा हमारा है, ऐसा हम नारा लगाते थे, नारा लगाते थे। धारा 370 विशेष दर्जा, वहां जाकर के आप रह नहीं सकते हो, जमीन नहीं खरीद सकते हो, जाओ घूम करके चले आओ, और वहां पर बैठा सरकार की खजाने का पूरा उपयोग अपने लिए करता और देश के विरुद्ध गतिविधियां करता, देश को तोड़ने में गतिविधियां करता, भारत और कश्मीर को अलग, भारत कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए काम करता था। भाई बहनों, धारा 370 खत्म करने का काम देश के प्रधानमंत्री किया कि नहीं किया? अब कश्मीर में शांति है कि नहीं है? हमारे जवानों को पत्थर फेंकने वाले छोटे छोटे बच्चे, उनको गालियां देने वाले सब शांत हो गए कि नहीं हो गए? और इन्होंने कहा था ना, हमारे तिरंगा झंडा पावों तले कुचला जाता था, तिरंगा झंडा फहराने के लिए हम जाने के जाते थे तो हमें रोका जाता, मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, और इसी कांग्रेस की सरकार ने उनको रोकने का काम किया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस रथ के सारथी थे। उन्होंने कहा था किसी के माँ ने दूध पिया तो रोक के देख ले, पूरी सुरक्षा में कश्मीर के लाल चौक में झंडा फहराया था मुरली मनोहर जोशी ने। भाई हमने देश हित में काम किया, देश के लिए काम किया। भाइयों बहनों, हम एक नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, यही हमारे मजाक उड़ाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आपने देखा ना, कोर्ट का फैसला भी आ गया, भूमि पूजन भी हो गया, भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ और रामलला को बिठा करके प्राण प्रतिष्ठा करके हिंदुस्तान को दे दिया। भाइयों बहनों, ये काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। अभी आपके यहां कैंप लगे होंगे ना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के, उसमें एक लाइन थी जो आप शपथ लेते थे उसमें, ठीक नहीं? हम देश से गुलामी के चिन्हों को मिटा देंगे। ये मिट रहे कि नहीं मिट रहे? अभी तो बाकी है पूरा करना, उन कामों को पूरा करना है ना, अयोध्या मथुरा काशी बाकी है ना, इसको पूरा करना है ना, और करना है तो देश का प्रधानमंत्री मोदी चाहिए हमको। अब मोदी जी देश के विकास की बात करते हैं, गरीब कल्याण की बात करते हैं, गरीब को ऊपर उठाने की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को पेट में मरोड़े आती है, तकलीफ होती है ना, देश ताकतवर बनता है तो उनको तकलीफ होती है, होती नहीं होती? कहते मोदी को रोको, मोदी को हराओ। अब जो लोग आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, एक दूसरे की गालियां देने वाले, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, वो सारे आओ भैया आओ, इसलिए मोदी जी को हराना, इसलिए सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हो रहे इकट्ठे, इसलिए
देश ताकतवर नहीं बनना चाहिए, गरीबी नहीं मिटनी चाहिए, इसके लिए इकट्ठे होकर के मोदी जी को हराने का काम कर रहे हैं। अब आप लोग चाहते हो ना देश वापस खड्डे में जाए, देश आगे बढ़िए चाहते हो ना, तो आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं मोदी प्रधानमंत्री बने? और बे कहते भाषणों से मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? अभी राष्ट्रीय कार्य समिति दिल्ली में हुई, प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा 100 दिन का समय आपका मुझे चाहिए भाई बहनों, और 100 दिन हो गए तो 5 वर्ष तक आपकी सेवा करके आपका कर्जा उतारने का काम करूंगा भाई बहनों। ये मोदी जी ने अब वो 5 साल का समय आपसे मांग रहा है और आपको 3 महीने देने हैं, इसमें तकलीफ तो नहीं है ना? अब देश आपका है कि नहीं है? देश मेरा भी है। देश ठीक रहेगा तो आप भी ठीक रहोगे कि नहीं रहोगे? और देश में कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसे लोग आ गए कि राम नवमी को लाइट नहीं आई, लाइट कटौती होगी, आप जुलूस निकालोगे तो आपसे ये पूछेंगे कि कौन से रास्ते जाओगे, हम रास्ता तय करेंगे। राम की रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध, नारा कौन सा लगाओगे वो तय करेंगे। वो चाहते हो ना? नहीं। हम हमारी स्वतंत्रता से निकाले ये चाहते हो ना? इसके लिए नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री चाहिए भाई। आपने देखा उदयपुर का कांड, कन्यालाल का घटना, क्या दोस्त था? किसी को थप्पड़ मारी थी क्या? किसी को गाली दी थी क्या? एक स्टेटस लगाया था, एक हमारी वो थी निपुण शर्मा, पत्रकार वार्ता में कुछ बहुत ज्यादा बोल रहे थे तो कह दिया तुम्हारे शासन में ये भी है, उससे लगा कि भगवान नाराज हो गया हमारे तो तेरे गर्दन काट देंगे। चैलेंज किया, उसने थाने में रिपोर्ट दी, थाने में रिपोर्ट देने के बाद में कहा कि मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। आज अगर गरीब आदमी कुछ हल्की सी भी गलती करता है तो वो जेल में डालने का काम करते हैं, इतना बड़ा अपराध तेरी गर्दन काट देंगे, कार्रवाई नहीं की, बुला करके थाने में समझौता कराया। समझौता कराने के बाद में फिर धमकी आई, फिर रिपोर्ट दी, कोई कार्रवाई नहीं की, उसने अपनी दुकान बंद कर दी। 10-12 दिन हो, पेट पापी है, बच्चों का पेट भी पालना है, दुकान खोली, दुकान के अंदर जा करके उसको बाहर निकल के रोड पे बकरी की तरह उसकी हलाल की भाइयों बहनों, कोई बचाने वाला नहीं मिला था। क्या ये राज चाहते हो क्या? और उसकी हत्या करके कम से कम 15-20 मिनट हो गए ना, और वो घर जाकर नहा धो करके और सुरक्षित निकल गए। आजकल तो फोन है, थप्पड़ भी मारता है तो थाने में फोन कर, क्या भैया ये भी राजनीति है क्या? गड़बड़ कर जाता है, ये भी कहेंगे मेरी लय खत्म हो जाती है। किसी ने तो फोन किया होगा, लेकिन भाई राज है, सुरक्षित वो निकल जाते हैं। गुलाब चंद कटारिया को फोन किया जाता है, आईजी को फोन करते हैं, फिर पुलिस जाती है पीछे, अपने कार्यकर्ता उनको पकड़वाने का काम किया। भाई बहनों ऐसा राज चाहिए क्या आपको? ऐसा चाहिए क्या राज? और मोहरम के दिन, 12 वफद के दिन बिजली कटौती न हो, इसके सरकारी ऑर्डर निकलते भाइयों बहनों, ये चाहते हो राज क्या? तो फिर आपको थोड़ी बहुत तो पीड़ा होनी चाहिए। अब देश सुरक्षित रखना है, देश ताकतवर रखना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश से गरीबी मिटानी है, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब हम लोग भी हैं, कभी कभी सुशील जी मुझे फोन करते हैं, भाई साहब कहाँ हो? तो भाई साहब अभी तो मैं रात को अभी चल रहा हूं। क्या टाइम हुआ है? 12 बजे। अरे रात को 12 बजे थक जाओगे, इतने क्या दौड़ते हो? तो मैं कहता हूं यार हमारे देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता, वो भी इस देश के लिए, और मैं 1-2 घंटा लेट जाऊंगा तो मैं थक जाऊंगा क्या? नहीं थकूंगा। इसलिए हम भी आए दिन दौड़ते रहते, घर वाले कहते क्या करते हो यार, क्या हो क्या गया तुमको, अब मंत्री बन गए? सुबह 5 बजे देखो तो लाइन लगी रहती है, अब बड़ी मुश्किल से नींद उठती है, जाते जैसे जैसे भैया उनसे ही बात करनी जरूरी है, वो भी तकलीफ है तभी आया ना, मेरे यहाँ कोई मेहमान थोड़ा आया, वो उसको कोई तकलीफ हो तो आई होगा। रात को 12 बजे कोई फोन करता ऐसे नहीं करता, जेब से पैसे जाते उसको तकलीफ हो तो फोन करता है, मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है, मैं फोन भी अटेंड करता हूं। तो हम उनकी तकलीफ भी सुने, क्योंकि उनकी समस्या उनकी जगह है, उनके लिए वो प्राथमिकता है,
हमें करना पड़ेगा भाइयों बहनों, उनकी मदद भी करनी पड़ेगी भाइयों बहनों, तब जाकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसलिए अगर आप एक अपन बोलते हैं ना श्लोक कोटेशन बोलते हैं, जीवन पुष्प चटा चरणों में ये मांगे माँ वरदान, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, ये हमारा लक्ष्य है भाइयों बहनों, ये लक्ष्य है, इसके लक्ष्य से काम करते हैं हम। कोई एमएलए एमपी और प्रधान सरपंच प्रमुख बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है भाइयों बहनों, नहीं है। हम देश का निर्माण करने के लिए चले हैं, देश को परम वैभव पहुंचाने के लिए चले हैं, ये लक्ष्य मेरा है, तो हम भी कफन बांध करके निकल जाए भाइयों बहनों। अब मैंने इंडिया एक गठबंधन की बात कही थी, जिसकी बात हमने कही थी, आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव देखे हैं ना, वहां पर हमारे दो एमएलए, हमारे कार्यकर्ता की चौराहे पे हत्या होती थी वो भी बर्दाश्त किया, हमारे साधु संतों की हत्या होती कोई कार्रवाई थी वो भी हमने बर्दाश्त किया, विचार परिवार के लोगों की हत्या थी कोई कार्रवाई थी वो भी हमने बर्दाश्त किया, कार्यकर्ता कलेजे पे हाथ, कलेजे हाथ में कलेजा लेकर के निकल गया, हमको बीजेपी चाहिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देश का काम करने वाले समाज के लिए ठीक है ये परिस्थिति ठीक है, वो निकल गया। केंद्र नेतृत्व कह रहा था हम दिल्ली पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे, हम कह रहे दो एमएलए कैसे बनाओगे, 73 एमएलए आए भाइयों बहनों। अब इसे समझना आप, कांग्रेस ने 25 से 30 साल तक पश्चिम बंगाल राज किया कि नहीं किया, या उनके वोटर थे ना, कम्युनिस्ट ने 25 साल तक राज किया कि नहीं किया, उनके भी वोटर थे, एक भी एमएलए ने जीता, कहां गए वोट, भारतीय जनता पार्टी को हराओ, अपने उम्मीदवार को भी हराओ और ममता बनर्जी के उम्मीदवार को जिताओ और उनको सत्ता में लाओ, भारतीय जनता पार्टी को रोकनी है, मोदी जी को रोकनी है, इस फार्मूले के तहत उन्होंने काम किया भाइयों बहनों, ये फिर देश में होने वाला, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए ये सब मिल रहे हैं मिलकर के, एक विचार मिले नहीं, मैं राज नहीं करना, मोदी को हराना है, और जिस दिन मोदी तो हार नहीं सकता भाइयों बहनों, जनता का भरोसा देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, क्योंकि जिस प्रकार का काम विश्व ने किया है, जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होने वाली, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है। अब आपने सुशील जी को तो हरा दिया, अब सुशील जी दुख व्यक्त कर रहे थे वाजिब है, लेकिन सुशील जी अपने कर्म में भी कुछ लिखा होगा और कहीं कहीं अच्छा होना भी लिखा होगा, तो वो भी हो सकता है, तो मैं भी कई बार हारा हूं, और हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है, हार में हम अति खुद उत्साहित भी नहीं होते और जीत में हमको गम भी नहीं होती भाइयों बहनों, हम देश के लिए काम करने के लिए चले भाइयों बहनों, हमारी प्राथमिकता देश पहले, इसलिए हम उसके लिए काम करेंगे, चुनाव कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा मेरा कोई होता नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, आप सब आए आज से ही तय करके जाइए। अब सुशील जी का विषय अलग, कोई दिक्कत नहीं, कई बार क्या होता है आजकल तो कुछ लोग ऐसे आ गए कि बस हमारा ही राज आएगा बाकी तो जयराम जी हो जाएंगे, ये ठीक की बात है क्या, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, भिन्न भिन्न फूलों के फूलों से बड़ी हुई माला सुंदर दिखती है, एक ही प्रकार की फूलों से बड़ी हुई माला सुंदर नहीं दिखती भाइयों बहनों, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे 3600 कौम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे, क्या हो गया हमको, क्या तरीका है ये देश को तोड़ने वाली ताकत हो भाइयों बहनों, आज इनको अलग कर दो भैया, फिर उनको अलग कर दो, इस देश पर जब मुगलों ने राज किया ना, अंग्रेजों ने राज किया ना, इसी नीति से किया है, भाई तू बड़ी बाप की औलाद ये छोटी बाप की औलाद, तू बड़ा आदमी ये छोटा आदमी, ये अगड़ा ये पिछड़ा, ये छोत या छोत, इसकी कारण से देश को तोड़ करके सैकड़ों साल तक गुलाम बनाने का काम किया, वही ताकतें फिर से इस प्रकार की नीति ला करके देश को तोड़ने का काम करता है, इसको हमको समझना पड़ेगा भाई, हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, 2 महीने का वक्त है, अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, ये 14-15 को आचार संहिता लग जाएगी लगभग उसके बाद में आपका समय चुनाव की वोटिंग तक के लिए है और वोटिंग के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा भाई बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी जिताओ, आप 5 साल के लिए आराम करिए भाई बहनों, आपकी रखवाली भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का भाई बहनों, आप आराम से 5 साल सो जाइए, आपकी रखवाली करने की जिम्मेदारी हम सबकी होगी भाई बहनों, आप मैं मंत्री हूं, प्रदेश की सरकार ने
मुख्यमंत्री की शपथ ली, 2-2.5 महीने हुए, कई ऐतिहासिक निर्णय किए हम लोगों ने, कई ऐतिहासिक निर्णय। हमने चुनाव वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तो हम ये जो मोदी जी ने गैस का बाटला दिया निशुल्क दिया ना, डायरी बना करके चूल्हा भी दिया, टंकी भी दी, एक बार दी, बाद में तो पैसा हमको देना ही पड़ता था, तो 1170 रुपए गैस का था, महंगा था। फिर मोदी जी 200 रुपए कम किया, 970 रुपए। अब हमने फैसला लिया, अब आप 1 जनवरी से बाटला भराओगे 450 रुपए में टंकी भरा के देंगे, फैसला हमने किया भाई। और उसके बाद में हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि मोदी जी वहां से भेज दें 6,000 रुपए 1 साल के 3 किस्तों में, हम इसको दुगना करेंगे। पहली कैबिनेट के बैठक में हमने निर्णय किया 2,000 रुपए बढ़ाए। अब किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते में होगा 8,000 आएगा भाई बहन, 8,000 आएगा। कई ऐसे फैसले हमने लिए। आप गेहूं किसान है, हम लोग गेहूं पकाते हैं, गेहूं पर भी MSP से 125 रुपया बोनस दे करके अब आप गेहूं कृषि मंडी में बेचोगे वो 2400 रुपए प्रति क्विंटल सरकार खरीदेगी भाइयों बहनों, गरीब को मदद करने का काम हमने किया। अभी आपकी ये जो हुई ना लेखांतर हमने पेश किया, कई प्रकार की योजना है, सब समाजों को सब वर्ग के लोगों को मदद करने का काम हमने किया, अखबारों में खूब आया।